आइए सचिन जी से भी जाना जाए उनकी पसंद का शेयर। सचिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर रिलायंस पे ही खरीदारी करने की सलाह है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसका डेली स्ट्रक्चर है, लगातार यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन है, एक अच्छा शॉर्ट टर्म स्क्वीज नजर आया है डेली चार्ट पे, एंड एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन स्टेजेस में है जहाँ पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी। तो जिस तरीके से इसका डेली चार्ट पे ADX प्लेस्ड है, उसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है ऑन द हायर साइड 25 लेवल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है ये संकेत अच्छे मोमेंटम के होते हैं। तो जनरली मुझे लग रहा है जो कल के सत्र में जो मोमेंटम मिला है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है रिलायंस में 2605 के लक्ष्य के लिए 2538 के स्टॉप लॉस के साथ। सचिन के BTST वाला बिगुल सचिन जी के लिए। बताए सर। आज अनिल जी, यहाँ पर डेफिनेटली मेटल्स को ही रेडार पे रखना है, एंड टाटा स्टील में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के स्विंग हाई निकाले हैं, मुझे लग रहा है टाटा स्टील में एक इंटरेस्टिंग मोमेंटम बनना चाहिए। ऑन द हायर साइड पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 105 का। सो खरीदारी करनी है टाटा स्टील के फ्यूचर में 105 और 108 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है 102 पे। सचिन जी के लिए कॉल BTST का। बताए सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर फ्रेश 52 वीक हाई बनने का प्रयास हो रहा है सन टीवी इस पर्टिकुलर फ्यूचर्स में। सो जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर रहा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ने डेली चार्ट पे जो एक्टिवेट होना चाहिए, जिसके पोजिशनल टारगेट लगभग अराउंड 585 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमिडिएटली फ्यूचर्स बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 542 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से अराउंड 555 का, सेकेंड टारगेट होगा 565 का, एंड पोजिशन टारगेट होगा अराउंड 585 का। खरीदारी करनी है सन टीवी के फ्यूचर्स में। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है कुछ ही देर पहले। 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन पिक्स लिए जाए आपके लिए, सचिन जी तैयार है। सबसे पहले बताएं सर। अनिल जी, 10 की कमाई में अभी खरीदारी करने की सलाह होगी दालमिया भारत इस पर्टिकुलर काउंटर में। लगभग अगर इसका हम ट्रेंड इवैल्यूएट करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी दबाव में रहा था काउंटर, लगभग अराउंड 2500 लेवल के आसपास के स्विंग्स बनाने के बाद 1200 तक यानी 50% का एक डिक्लाइन आया था। उसके बाद पिछले 4 महीने में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है ट्रेंड में। अगर हम ओवरऑल इसका वीकली चार्ट भी देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुका है, एंड जिस तरीके से इसके वीकली एंड मंथली RSI प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक काफ़ी अच्छे गिरावट के बाद एक स्टेबल ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है, एंड जिस तरीके से अभी नतीजे आए हैं मुझे लग रहा है वो भी काफ़ी कमेंडेबल रहे। सो ओवरऑल प्राइस परफॉर्मेंस भी इनलाइन है इस रिजल्ट्स के साथ। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 2340 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक आपको अक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1520 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो दाल में भारत है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय, और नतीजों के लिहाज से सीमेंट कंपनियों के रिजल्ट्स आए कमजोर, और हमने कहा सारी कमजोरी के बीच में एक ही आशा की किरण दाल में भारत थी जहां पर नंबर थोड़े ठीक रहे। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए।